ये वाला। ये आज जो है 30 दिसंबर है और यहाँ पर कम से कम 50,000 आदमी सुबह से आ चुका है और लाखों लोग आ रहे हैं यहाँ। इस बार जो है बहुत ज़्यादा रश है। अब जो है हम ये पर ये मंदिर बना हुआ है सोलांग वैली में, ऊपर इतनी ऊंचाई पर मंदिर बना हुआ है, ऊपर दर्शन करने जाएंगे और आप देखेंगे कि भगवान कितने ऊँचे विराजमान हैं। भोले शंकर का मंदिर है ये और बहुत 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 ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। टेम्परेचर अभी हम आपको बताएंगे कि कितना माइनस में है, ठीक है। इतना ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर। डे बिफोर सेलिब्रेशन है और ये हमारा हैप्पी न्यू ईयर। बट तो यहाँ से आपको पूरी सोलांग वैली का नज़ारा देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और मंदिर जो है फर्स्ट फ्लोर पर है, ये है ग्राउंड फ्लोर। तो यहाँ से आपको जूते उतार के ऊपर जाएंगे हम अभी। ये देखिए महादेव का मंदिर है ये। तो आपको आगे की तरफ ही एक्टिविटीज करवाई जाती हैं, पीछे भी लोग जाते हैं। तो पीछे बस एक शिवलिंग हमें देखने को मिला, वहाँ भी दिखाएंगे अभी। मैं मंदिर की जो है भगवान भोले शंकर का, जो कि आप शिवलिंग ऊपर देख पा रहे हैं, वो उन्होंने खोजा था। यहाँ पे बर्फ़ का शिवलिंग बनता है और यहाँ पे गुरुजी पहले तपस्या किया करते थे, जो कि अब उन्होंने समाधि ले ली और ये बर्फ़ का ऊपर शिवलिंग बन रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। काफ़ी लोग उसको कवर कर रहे हैं। तो ये लास्ट एक्टिविटी है, तो अभी हम ज़िपलाइन के लिए आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है, एक के बाद एक नीचे लाइन में क्यू में लोग खड़े हुए हैं। तो ये एक्टिविटी भी आपकी 5 से 7 मिनट में लगभग कंप्लीट हो जाएगी। इसमें आपको एक बार दो बार ज़िपलाइन इसमें करवाई जाएगी, पहले एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में, फिर दूसरे पहाड़ से सीधे आप स्नो स्कूटर वाली पार्किंग में उतरेंगे। तो दोस्तों ज़िपलाइन हमारी शुरू हो चुकी है, जब तक आप इस नज़ारे का आनंद लीजिए। इसको एक ब्रेक की तरह यूज़ किया जाता है, इसमें आपको काफ़ी तेज से जर्क लगेगा। तो अभी हमारी एक और राइड बची है, अभी हम ऊपर जाएंगे। बोरी के ऊपर चढ़, बोरी के ऊपर चढ़ भाई, ऊपर चढ़ बोरी के ऊपर। अच्छा चल नीचे सीट डाउन, सीट डाउन। तो यही ये एक्टिविटी है जिसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इसमें, क्योंकि एक तो दो राइड मिलती हैं आपको और यह मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो काफ़ी अच्छा रहा है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप सोलांग वैली आते हैं या फिर मनाली भी आते हैं, ये ज़िपलाइन वाली एक्टिविटी आप ज़रूर करिए। देख सकते हैं आप ज़िपलाइन में कितनी ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पर एक के बाद एक लोग आते जा रहे हैं। और यही पार्किंग है, यहाँ से स्कूटर की पार्किंग में अभी आपको दिखाऊँगा। तो यहाँ पर आप कुछ फोटोग्राफर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जो आपकी फ़ोटो क्लिक करते हैं। उनके पास बढ़िया DSLR कैमरा भी होता है, तो जब आप ज़िपलाइन कर रहे होते हैं तो वो आपकी फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, तो उनसे भी आप फ़ोटो ले सकते हैं। वो एक चार्ज लेंगे 100 रुपये करीब,
तीन चार फ़ोटो वो क्लिक करते हैं और उनके फ़ोटो की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है, तो आप उनके द्वारा भी फ़ोटो ले सकते हैं, क्योंकि आप नॉर्मल कैमरे से वैसी फ़ोटो आप क्लिक नहीं कर पाएंगे और वो एक प्रोफेशनल कैमरामैन होते हैं, तो उनसे फ़ोटो लेना सही रहेगा। एक्टिविटीज़ के बाद यहाँ पे और कुछ तो बचता नहीं है देखने लायक, तो अभी हम सोलांग वैली से वापस जाते हुए उस पार्किंग में जहाँ पे हमारी टैक्सी खड़ी है, तो आपको अपना ड्राइवर ढूंढना पड़ेगा जो आपको लेकर आया था, नहीं तो वो आपको ढूंढेगा। तो देख सकते हैं ये पूरा पार्किंग का एरिया है, यहाँ पे लोग जाते हुए हैं वापस जा रहे हैं, तो हम करीब 4-5 घंटे रुकने के बाद अभी हम वापस जाते हुए हैं। अभी हमने सारी एक्टिविटी करी, आपने देखा मज़ा तो बहुत आया, लेकिन दोस्तों बस यही है जिसमें स्टेमिना अच्छा हो बर्फ़ को सहन करने का वही यहाँ पर आए, क्योंकि इतना ज़्यादा कूलिंग, इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हालत।